अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आसिया और हाज़िर हो गई हूं एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि आप घूमने वाला लोगो है वो किस तरह से बना सकते हैं अपने मोबाइल में। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत अच्छी है, आपने इसको कम्प्लीट देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लें। इस तरह के लोगो आज मैं बनाना आपको सिखा रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसके लिए सबसे पहले आपको काइंड मास्टर में जाना है। अगर आपके पास काइंड मास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट जाना है प्लस पे, और 1.1 रेशो इसका जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। 1.1 रेशो सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपने बैकग्राउंड के ऊपर चले जाना है, यहाँ से आपने एक बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो इसको थोड़ा हम बढ़ा के यहाँ से इसका कलर जो है वो हमने ग्रीन कर देना है। जिस तरह जी देख सकते हैं हमारा कलर चेंज हो गया है। तो इसका आपने स्क्रीन शॉट ले लेना है इस तरह से। इसके बाद आपने फिर से वापस जाना है। तो इस बैकग्राउंड को हम करते हैं ख़त्म। मीडिया पे जाएंगे, फिर से यहाँ से आपने फिर से एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो इसको हम थोड़ा सेट करेंगे इधर, इसका कलर जो है यहाँ से फुल रेड कर लेंगे। जो कलर आपको अच्छा लगे आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके दोबारा फिर से हम लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे, यहाँ से फिर से एक बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसको थोड़ा हम बढ़ा लेंगे इस तरह से, और इसको अपनी फिंगर के ज़रिए इस तरह ऊपर सेट कर लेंगे। तो इस तरह इसको हमने सेट कर लेना है। इसके बाद एक और बैकग्राउंड लेके आते हैं, मीडिया पे जाते हैं, बैकग्राउंड में जाएंगे, यहाँ से एक बैकग्राउंड और लेंगे। इसको हम थोड़ा बढ़ा लेंगे जैसे पहले बढ़ाया था। तो इसको इस तरह से कर लेंगे सेट, जितना आपने इसको सेट करना है कर सकते हैं। कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे लेयर पे, टेक्स्ट पे। आपने जो अपना नेम लिखना है तो नेम लिख लेना इधर, जैसे कि मैं अपना नेम लिख रही हूँ, अपने चैनल का नेम लिख रही हूँ। तो मैंने अपने चैनल का नेम लिख लिया यहाँ से, और डबल ए पे जाके इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर लेते हैं। ग्लो पे जाके इसका थोड़ा सा कलर जो है वो हम यहाँ से चेंज कर देंगे। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद बैक जाएंगे, लेयर पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, तो यहाँ मैंने अपने पिक्चर जो लगाई है नीचे वाली या ऊपर वाली, जहाँ आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसको भी हम, इसका भी फ़ॉन्ट जो है वो हम चेंज कर देंगे, कलर में जाके इसका कलर जो है वो हम रेड कर लेते हैं, और शेडो में जाके, ग्लो में जाके इसका कलर जो है वो हम ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह से बन गया है। इसको हम यहाँ से कर लेंगे, स्क्रीन शॉट ले लेंगे इसका। इस तरह मैंने इसका स्क्रीन शॉट ले लिया। अब वापस आ जाते हैं
अब अपने जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाके आपने यहाँ एक आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपने सर्च कर लेनी है, 3D जो पहले नंबर वाली जो है ये लिखा हुआ 3D फोटो क्लब लाइव वॉलपेपर, ये वाली एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लेनी है। मेरे पास इंस्टॉल है तो मैं इसको करती हूँ ओपन, इसको ऐसे ओपन कर लेती हूँ। तो जहाँ आपको मैं बताते हैं आपने कैसे इसको बनाना है, तो जहाँ हम सिलेक्ट बैकग्राउंड के ऊपर जाएंगे, ये जो प्लस लगा हुआ है इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ से हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था उसको हमने कर लेना है सेट, डन कर देंगे। तो इसको हमने कर लेना सिलेक्ट, टच करके ओके पे कर देंगे। उसके बाद वापस आएंगे, फिर हम चेंज फोटो के ऊपर जाएंगे, जहाँ से हमने अपने जो पिक्चर बनाई है उसको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि ये है मैंने अभी भी बनाई है आपके सामने, उसको हम सिलेक्ट करते हैं इस तरह से। आप एक कलर के भी 6-7 बना सकते हैं, 6 मतलब पिक्चर लगा सकते हैं, अलग अलग किस्म की भी लगा सकते हैं। ये मैं इस तरह से इसको 6 की 6 हैं जो, इनको सेट कर लेती हूँ। इस तरह से आपने हर पिक्चर के ऊपर टच करते जाना है और ये आपको अपनी गैलरी में ले जाएगा, वहाँ से आपने जो पिक्चर बनाई होगी वहाँ से वो आपने कर लेनी है सिलेक्ट इस तरह से। ये कुछ देख सकते हैं इस तरह बन गया है। इसके बाद हम वापस आ जाते हैं और जहाँ से हमने सेटिंग पे जाना है तो आपने सेटिंग को ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले वाली की आपने मीडियम रखनी है, दूसरे नंबर पे आपने स्पिन रखना है और तीसरे नंबर के ऊपर आपने नो कर देना है। उसके बाद आपने सेट वॉलपेपर के ऊपर जाना है, तो ये आपका वॉलपेपर जो है ये देख सकते हैं इस तरह से बन के आ जाएगा। तो इसके बाद आपने इसको जो है स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से आपने रिकॉर्ड कर लेना है, जैसे कि ये मेरे पास रिकॉर्ड हो गया है। अब तो अब हम फिर से जाएंगे, फिर से चले जाते हैं हम काइन मास्टर में। तो आपने स्क्रीन रिकॉर्डर अगर आपके पास नहीं है आपने कर लेना है डाउनलोड प्ले स्टोर से, उससे आपने इसको रिकॉर्ड कर लेना है। इसके बाद आपने प्लस पे जाना है, कोई सा भी आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है इधर से। तो मैं ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम वापस चले जाते हैं और लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे, जो हमने लोगो बनाया होगा ना उसको आपने रिकॉर्ड किया होगा। तो ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में शो नहीं होगा क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए ये मैं आपको दूसरा दिखा देती हूँ कि जो मैंने इससे पहले बनाया था। उसके लिए मीडिया पे जाएंगे, तो जो हमने रिकॉर्ड की होगी वीडियो देख लेनी है आपने कहाँ आपको शो हो रही है, वहाँ से आपने उसको सिलेक्ट कर लेना इस तरह से। उसके बाद आपने यहाँ क्रॉप पे जाना है, क्रॉपिंग के ऊपर इसको क्रॉप कर लेना है इस तरह से, अपने फिंगर के जरिए इसको क्रॉप कर लेना, आपने अच्छे से क्रॉप कर लेना है। ओके कर देंगे यहाँ पे। अब इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं और इसके बाद आपने क्रोमा की के ऊपर जाना है, इसको अपने ऑन कर देना है और इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है ताकि इसका बैकग्राउंड जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से हम इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये देख सकते हैं हमारा जो बन चुका है बैकग्राउंड बन के कुछ इस तरह से आपके सामने आ गया। यहाँ से आपने इसको सेव कर लेना है,
सेव कर लेंगे जहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा और हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।